हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि और बच्चे मुझसे जुड़ सकें। आज मैं आप लोगों को बेटा क्लास 12th का लेसन 7 एडवांस ट्राई एंड ओ लेवल रिटन बाय कॉलिन डेक्स्टर बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुने। एडवांस एक क्रिमिनल है जिसे ऑक्सफोर्ड जेल में रखा गया है। ये एग्रेसिव नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा चालाक है। इसका बिहेवियर जो है वो सॉफ्ट है, इसलिए इसे बिल्कुल अलग से रखा गया है क्योंकि ऑलरेडी ये 3 बार जो है जेल से भाग चुका है। इसे इवांस भगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, बुलाया जाता है। और अब जो जेल है बेटा, वहाँ उसे एक अलग सेल में रखा गया है, कड़ी निगरानी के अंदर रखा गया है। स्पेशल वॉच यानी कि एक खास नज़र उसके ऊपर रखी जा रही है ताकि वो चौथी बार भी वहाँ से भाग ना सके। जो इवांस है बेटा, वो ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए क्यूरियस है, जर्मन लैंग्वेज को सीखने के लिए क्यूरियस है, और जर्मन लैंग्वेज का जो ओ लेवल का एग्ज़ाम है उसे देना चाहता है। ये उसका एक प्लान है 4th टाइम भी जेल से भागने के लिए। और ये हमें लेसन के एंड तक पता चलता है कि वो किस तरह वो अपने इस मकसद में कामयाब हो जाता है, अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है और चौथी बार भी भाग जाता है। अब जो जर्मन लैंग्वेज सीखने की उसने अपनी इच्छा को बेटा सबके सामने रखा, तो वहाँ ये उसकी इच्छा को मान लिया गया, परमिशन मिल गई उसे और एक जर्मन टीचर उसके लिए अरेंज कर दिया गया। और जेल में ही उसकी शाम की क्लासेस शुरू हो गई। जो टीचर बेटा उसको सिखाने के लिए, जर्मन लैंग्वेज सिखाने के लिए आता है, वो रियल में इवांस का फ्रेंड ही होता है। अब जब उसने ओ लेवल एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए अपनी जो इच्छा रखी, तो गवर्नर ने उसकी ये परमिशन उसको दे दी, उसकी ये इच्छा मान ली। अब इसके लिए सेंट मैरी से जो है एक प्रीस्ट आते हैं और उसके इन्विजिलेटर बनकर आते हैं। गवर्नर को बेटा इस बात का डर है कि इवांस जो है वो चौथी बार भी वहाँ से भागने का जो प्लान है वो ज़रूर बना रहा होगा और वो कहीं इसमें सफल ना हो जाए, इसीलिए वो अपने सीनियर ऑफिसर जैक्सन को, जो प्रिजन ऑफिसर है, जैक्सन को ऑर्डर देता है कि वो अच्छे से सेल की तलाशी ले, बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से जांच करे। और जैक्सन भी 2 घंटे लगातार सेल की तलाशी लेता है, बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से चेक करता है, लेकिन उसे इवांस की सेल में कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि वो उसका नेल फाइलर और नेल कटर भी लेकर चला जाता है। अदर्स जो बेटा ऑफिसर्स हैं उन्हें भी ऑर्डर मिलते हैं कि वो इवांस की सेल में तब तक रहें जब तक कि एग्ज़ाम कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। और इस एग्ज़ाम को लेने के लिए मैं आपको याद दिला दूं कि सेंट मैरी जो कॉलेज है वहाँ से इन्विजिलेटर आएंगे। और अब एग्ज़ाम के ठीक आधा घंटा पहले बेटा जैक्सन और स्टीफन्स को आते हैं, वो दोनों आते हैं और इवांस को एक ब्लेड देते हैं शेव बनाने के लिए। और जैक्सन जो है वो स्टीफन से कहते हैं कि जब इवांस शेव कर ले तो उस ब्लेड को वो लेकर वहाँ से जाएं। और ऐसा ही होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम चल रहा होता है, इवांस ने एक कैप पहनी हुई है, टोप पहना हुआ है, और जैक्सन उसे उतारने के लिए कहते हैं, तो इवांस उसका लकी साइन है ये कहकर एग्ज़ाम के लिए वो टोप नहीं उतारता है। एक्चुअली क्या होता है कि उस ब्लेड से उसने अपने बालों को कट कर दिया है ताकि वो इन्विजिलेटर का जो रूप है वो बनाकर वहाँ से भागने में सफल हो जाए। ये भी उसके प्लान का ही एक पार्ट है। इन्विजिलेटर एग्ज़ाम लेने के लिए आ चुके हैं और उन्हें अंदर लाया जाता है। गवर्नर जैक्सन को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देते हैं कि उसकी भी बहुत अच्छे तरीके से चेकिंग हो। जैक्सन उसे बहुत अच्छे तरीके से चेक करता है। ये जो इन्विजिलेटर आए हैं बेटा, ये एक पादरी हैं, प्रीस्ट होते हैं चर्च में, उन्हें पादरी हिंदी में बोलते हैं, और इनका नाम है रेवरेंड स्टुअर्ड मैकलेरी। ध्यान रखना बच्चों, रिवरेंड स्टुअर्ड मैकलेरी। ये जो आए हैं बेटा, इनकी चेकिंग होती है, इनके सूटकेस को चेक किया जाता है। जैक्सन को सूटकेस में एक ट्यूब का टुकड़ा मिलता है, गोल ट्यूब का टुकड़ा, जिसे एक्चुअल में जिसके अंदर सुअर का जो है खून है,
और लेकिन जो इन्विजिलेटर है वो जैक्सन को बताते हैं कि उन्हें एक बीमारी है जिससे वो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते हैं, और इसीलिए जब वो ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है तो उन्हें इसकी मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो जैक्सन उन्हें रखने की परमिशन दे देते हैं। और जो मैकलीरी है एक्चुअल में वो रियल मैकलीरी नहीं है, उन्हें तो फ्लैट में बंद करके रख दिया गया है, उनके मुंह को भी बंद कर दिया है। जो ये मैकलीरी बनकर आए हुए हैं ये इवांस के ही कोई दोस्त हैं, और ये उसे उनकी जो भागने की प्लानिंग है उसी का एक पार्ट है। एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है बेटा। जो इन्विजिलेटर बनकर मैकलीरी आए हुए हैं वो इवांस को अपनी आंसर शीट पर इंडेक्स नंबर सेंटर नंबर फिल करने के लिए कहते हैं। स्टीफन्स को सेल के अंदर ही रहना होता है, लेकिन इवांस जैक्सन से कहकर उन्हें सेल से बाहर करवा देते हैं, लेकिन जैक्सन उन्हें स्ट्रिक्टली ऑर्डर देते हैं कि वो सेल के बाहर रहकर भी छोटी खिड़की से उसके ऊपर जो नज़र है वो रखेंगे। एक्चुअली इवांस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने ये बहाना बनाया कि जो पेपर है वो लिखने के लिए उसे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है वो, और जैक्सन ने उसे बाहर कर दिया। अब 9:40 पर बेटा गवर्नर के पास एक कॉल आती है। ये कॉल एग्ज़ाम बोर्ड से आती है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ करेक्शन करवानी है, और वो करेक्शन करवाने के लिए गवर्नर जो है जैक्सन के पास फ़ोन करते हैं। जैक्सन इन्विजिलेटर को बताते हैं और इन्विजिलेटर जो है वो इवांस को बताते हैं, और वो करेक्शन होती है कि गोल्डन लॉयल करेक्शन करवाते हैं। एक्चुअली में जो गोल्डन लॉयल है वो एक होटल का नाम है जो उसके फ्रेंड ने इस जो फेक फ़ोन कॉल है उसकी थ्रू उसे इंडिकेट किया था। और इसके बाद फिर एक कॉल आती है जो मजिस्ट्रेट के ऑफिस से आती है कि उन्हें रिमांड केस के लिए वहाँ की एक वैन और दो प्रिजन ऑफिसर्स जो हैं वो चाहिए। और ये जो फ़ोन कॉल है ये भी इवांस के फ्रेंड ही करते हैं जो ये वैन उसे भगाने में मदद करेगी, और इसका यूज़ वो जो है वो लेसन के लास्ट में करते हैं। इवांस बेटा सेल में लगे हुए माइक्रोफोन के द्वारा गवर्नर से कहता है कि सेल में बहुत ठंड है, और उसे जो सेल में कंबल रखा हुआ है उसे कंधे पर रखने की, कंधों को ढकने की परमिशन दे दें। गवर्नर उन्हें परमिशन दे देता है, और स्टीफन जो है वो बाहर से हर 1 मिनट में खिड़की से झांकता रहता है, रूम को देखता रहता है कि इन्विजिलेटर जो है वो हर बार न्यूज़पेपर देखते हुए मिलते हैं उसे, और जो इवांस है वो पेन को दांतों से दबाए हुए है। पेपर ख़त्म होने से ठीक 3 मिनट पहले स्टीफन के पास गवर्नर का फ़ोन आता है कि जब पेपर ख़त्म हो जाएगा, पेपर ओवर हो जाएगा, तो इन्विजिलेटर को गेट तक छोड़ कर आए और अच्छे से चेक करे कि इवांस के सेल को ताला लगा हुआ है या नहीं। ये फ़ोन कॉल भी बेटा स्टीफन्स को रास्ते से हटाने के लिए था। ये भी गवर्नर ने नहीं किया था, उसके किसी इवांस के किसी फ्रेंड ने किया था। तो ऐसा ही होता है, और इसके बाद जो इवांस है वो अपनी योजना को सफलता से जो है अंजाम देने में सक्सेस हो जाता है। अब बेटा एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाता है। स्टीफन्स जो है वो इन्विजिलेटर मैकलेरी को गेट तक छोड़ कर आता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि मैकलेरी तो इवांस की जगह पर बैठा हुआ है, उसके सिर से खून आ रहा है और वो बहुत घायल कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लेकिन मैकलेरी ये कहता है कि नहीं वो ठीक है। तभी स्टीफन जो है जैक्सन को चिल्ला चिल्ला कर बुलाते हैं, गवर्नर भी वहाँ आ जाते हैं। तभी जो मैकलेरी बना हुआ है वो उन्हें क्वेश्चन पेपर दिखाता है गवर्नर को, और लास्ट जो पेज है बेटा उसमें जर्मन लैंग्वेज में इवांस के भागने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ये उनके भागने का प्लान था। तभी बेटा वहाँ पर एक जासूस सुपरिटेंडेंट कार्टर पहुँच जाते हैं और वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी मैकलेरी जो बना हुआ है, मैकलेरी जो बंद कराए थे, वो उन्हें बताते हैं कि वो जानते हैं कि इवांस कहाँ जा सकता है।
गवर्नर जो हैं वो स्टीफन्स को डांटते हैं कि उसने जाकर इवांस को गेट के जेल के गेट के बाहर तक छोड़ाया। तो स्टीफन्स बताते हैं कि उन्हीं का फ़ोन आया था। तो गवर्नर समझ जाते हैं कि मैंने तो कोई फ़ोन नहीं किया, ये ज़रूर कोई और होगा जिसने फ़ोन किया होगा। और जैक्सन के लिए भी गवर्नर सोचते हैं कि उसने भी लापरवाही बरती है, उसने सेल को ठीक से चेक नहीं किया, क्योंकि वहाँ से उन्हें प्रीस्ट जो हैं चर्च के प्रीस्ट जो कपड़े पहनते हैं वो और नकली दाढ़ी वगैरह जो मिली है ये सब कहाँ से आए। तो जैक्सन को भी डांट पड़ती है गवर्नर से, और मैकलीरी और जो सुपरिटेंडेंट है बेटा जो जासूस है वो दोनों एक कार में बैठकर उसे ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन गवर्नर क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट पेज है उसी में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं इवांस के लिए उन्हें देखकर वो उसे ऐसा महसूस होता है कि इवांस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो ज़रूर पकड़ा ही जाएगा। कार्टर ने गवर्नर को फ़ोन करके बताया कि मैकलीरी ने उसे कार में देखा था, और जब उन्होंने किसे देखा था बेटा इवांस को, जब उन्होंने उसका पीछा किया तो वो हेडिंगटन रोड पर जो है कार उसकी गायब हो जाती है। और जो सुपरिटेंडेंट है जो जासूस है वो गवर्नर को बताता है कि मैकलीरी जब एग्ज़ाम बोर्ड गया था तो उनके साथ गया था तो बहुत बीमार लग रहा था, और इसीलिए उसे रेडक्लिफ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब गवर्नर रेडक्लिफ हॉस्पिटल जाते हैं पता करते हैं मैकलीरी के बारे में, तो हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि उन्होंने ही तो उसके लिए एक वैन भेजी थी, यानी कि अब जो मैकलीरी बनकर वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट था वो भी जा चुका था। अब गवर्नर समझ गया कि ये इवांस का एक बहुत बड़ा प्लान था वहाँ से भागने का, और उसमें वो कामयाब भी हो गया था। वो ये सब जान चुका था कि पहले तो कोई मैकलीरी बनकर जेल में आया, फिर इवांस जो है वो मैकलीरी बनकर जेल से बाहर गया और घायल होने का नाटक किया। वो सुअर का खून था बेटा जो उसके सिर से बहता हुआ दिखाई दिया था स्टीफन्स को और जैक्सन को। अब बेटा जो इवांस है वो जेल से बाहर है, बहुत खुश है, लेकिन उसे इस बात का दुख है कि मैकलीरी का रूप धरने के लिए, रूप रखने के लिए उसे अपने बाल काटने पड़े। इवांस के दोस्तों ने कार में ही साबुन पानी का उसका इंतज़ाम कर रखा था। अब वो गोल्डन लॉयल जो होटल है वहाँ सुबह पहुँच जाएगा, लेकिन जैसे ही वो जाकर अपने होटल के रूम का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि बिस्तर पर गवर्नर बैठा हुआ है। तब गवर्नर उसे बताता है कि जो साइन लैंग्वेज में सांकेतिक भाषा में उसने गोल्डन लॉयल होटल का एड्रेस लिखा हुआ था वो उसे पहचान गया था, और इसीलिए वो अब यहाँ आया हुआ है। इवांस जो है वो गवर्नर के दिमाग की बहुत तारीफ़ करता है कि उसने साइन लैंग्वेज को समझ लिया। दोनों बातें करते हुए लॉबी तक आते हैं, तभी रिसेप्शनिस्ट बताती है गवर्नर को आकर कि जो जेल की वैन है वो होटल के बाहर खड़ी हुई है। और तभी एक जेल का ऑफिसर आता है, इवांस को हथकड़ी लगाता है, वैन में लेकर जाते हैं। वास्तव में बेटा ये वही वैन है जो सुबह इसके फ्रेंड्स ने मजिस्ट्रेट को वैन चाहिए रिमांड के लिए कहकर ली थी गवर्नर से, ये वही वैन खड़ी थी, ध्यान रखना बच्चों। और अब उसी वैन में उसके फ्रेंड्स थे जो उसे इवांस को लेकर गए। जैसे ही जो वैन है वो मोड़ से गई, आंखों से ओझल हुई, तभी उसकी इवांस की हथकड़ी उसके फ्रेंड्स ने खोल दी। चौथी बार बेटा इस तरह से इवांस जो है वो जेल से भागने में सफल हो गया। ये था बेटा लेसन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बाय बाय बच्चों।